जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, एक साधक के रंबा साधना के मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। एक बुजुर्ग साधक थे जो हमेशा से चाहते थे, अकेले थे वो, केवल अकेले थे, कोई नहीं था उनके आगे पीछे। बच्चे थे वो बाहर सेटल हो गए थे, नौकरियाँ बढ़िया बढ़िया लग गई थी, उनके ऑफिसर वगैरह बन गए थे, बुजुर्ग अकेले थे। तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने ये अपने समय को आनंददायक मनोरंजक बनाने के लिए अप्सरा साधना करने का निर्णय लिया। समझ गए ना आप, अप्सरा साधना करने का उन्होंने निर्णय लिया। और दोस्तों, आपको मालूम ही है अप्सरा साधना जी वगैरह कैसी साधनाएं होती हैं। तो निर्णय लिया उन्होंने और उस साधना को वो करने के लिए तत्पर भी हो गए। अब क्या है कि वो बड़ी मेहनत करने लगे। एक साधना की नहीं हुई सफल, दूसरी की साधना नहीं हुई, मेनका की, उर्वशी की, फिर किसी विद्वान ने, किसी गुरु ने उनको बताया कि आप रंभा करिए, आपको रंभा सिद्ध हो जाएगी। अब वो रंभा की साधना करने लग गए। और जैसे संयोग कहिए, कुछ भी कहिए, या उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध के अच्छे पुण्य कहिए, कि उनको जो रंभा की झलक है वो दिखलाई देने लग गई साधना के बीच में ही। और झलक दिखलाई देने लग गई तो वो खुशी से पागल हो उठे, क्योंकि आप ही सोचिए, जब किताबों में ऐसे या फिर फोटो में या फिर वीडियोस में रंभा का ऐसा रूप बताया जाता है तो वो सामने प्रत्यक्ष आ जाता, कितनी सुंदर होगी। तो ये मस्त हो जाते थे उसको देखकर। एक दिन क्या हुआ कि इनका अपने ऊपर वो बार बार यही पूछती थी, बता साधना छोड़ दे, बता तो ये क्या चाहिए, मंत्र बंद बंद गंदे मंत्र को करना बंद कर दे, बता तो ये क्या चाहिए। और इनको इनके गुरु ने बता रखा था ऐसा नहीं करना है। फिर आके एक दिन फिर और बोली एक दिन वो कि तेरी साधना पूर्ण हो चुकी है और तू इसको छोड़ दे। तो फिर उन्होंने पहली बार बोले कि नहीं, मेरे गुरु ने कह रखा है जब तक पूरी 41 दिन की साधना नहीं होगी तब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बंद नहीं करनी है मुझे। तो दोस्तों, वो आके उनके शरीर पे से चिपक गई, लिपट गई, और ऐसी भीनी खुशबू उनको महसूस हुई, ऐसी भीनी खुशबू, ऐसी सुंदर खुशबू, मादक खुशबू, जिसमें अपने वो होश खो बैठे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था, वार्तालाप कर लिया उससे। तो वो शक्ति उन पर हावी हो गई, प्रचंड हो गई। यदि वो बोलते नहीं कुछ भी तो शायद ये नहीं होता। अब बोल दिया है तो बोल दिया, ठीक है, ठाकुर तो गयो। तो अब क्या होता है मित्रों, अब उनके शरीर में एक फुरफुरी सी दौड़ जाती है, उनके अंदर काम वासना जागृत हो जाती है, उसके अपने आप अपने ऐसे लिपटते ही अप्सरा के डंबा के काम वासना उनके अंदर जागृत हो जाती है। ये सब माया होती है, वो असल में थोड़ी लिपट रही थी, वो तो माया थी उसकी। तो इनके अंदर काम वासना जागृत हो जाती है और ये उसे पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, और जकड़ने के बाद कहते हैं कि मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में रखूँगा और मुझे तू पत्नी या प्रेमिका के रूप में मेरे साथ रहना। और ये कहने के बाद अचानक एक झटके से सब कुछ गायब हो गया और कोई सामने देखा उन्होंने, कोई अप्सरा कुछ नहीं थी वहाँ सामने। तो बड़े दंग रह गए थे, मैंने अभी क्या देखा था ये और ये क्या हुआ। उन्होंने जैसे तैसे मंत्र किए, वो भूल गए कितनी माला करनी थी आज, कितनी वही हैं। और भैया अब जी क्या हुआ कि उन्होंने फिर अपने गुरु से बोली सलाह,
आधा समय हुआ था अभी, 20-25 दिन की साधना हुई थी, अभी 41 दिन पूरे करने थे, शेष थे अभी कुछ दिन। अब क्या होता है मित्रों, उन्होंने फिर उनके गुरु ने उनको संपर्क किया और कहा कि भाई तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है, मुझे महसूस हुआ यहाँ तक। तो उन्होंने सारी घटना बताई, तो गुरु बोले तेरा सत्यानाश हो, तूने सारा अपना खेल बिगाड़ लिया बनता हुआ। तो वो बुजुर्ग बोला, वो अंकल श्री बोले कि भाई ऐसा कैसे हो गया, कहते तुझे उससे बात ही नहीं करनी थी, तुझे उसके उसका जवाब ही नहीं देना, जवाब देते तो उस पर हावी हो गई वो। उन्होंने कहा ऐसा है क्या? उन्होंने कहा हाँ, गुरु ने कहा, उनके गुरु ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो ये तो बड़ी समस्या पैदा हो गई, अब जब तेरे ऊपर कोई ना कोई बड़ा साइड इफेक्ट जरूर होगा इस चीज़ का दोस्तों। उसके बाद उन्होंने 41 दिन जैसे तैसे बिना अनमने मन से पूरे किए, क्योंकि मन तो उसी दिन उनके गुरु के पास सुन के ख़राब हो गया उनका। अब दोस्तों उसके बाद उनके जो उनका समय था, क्योंकि उस समय उन पर पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, स्वास्थ्य भी उनका अच्छा था, थोड़ी उम्र ज़्यादा थी, एक आगे बनता अकेला बनता इसीलिए जो साधना की थी, लेकिन नियम पालन न करने के कारण ये अवस्था हुई। उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लग गई, और शायद उसी दिन से बिगड़ने लग गई जिस दिन से ये घटना घटी। बाद में उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने पूजा पाठ सब वगैरह सब त्याग दिया और बिल्कुल चुपचाप गमसुम से रहने लग गए। तो ये अवस्था बड़ी विचित्र हो गई। ये केस स्टडी मैंने आपको इसलिए बताई है दोस्तों कि आप ये समझिए कि आप यदि अपने किसी कारण के लिए, किसी अपनी लोभ के लिए, क्योंकि उनको अपने एकाग्र पर मनोरंजन का साधन चाहिए था, तो मनोरंजन का साधन तो ना मिला, उल्टा उनका मनोरंजन बना दिया लोगों में, उनका मनोरंजन बन गया। तो ये एक घटना हमें सीख देती है कि यदि हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो पहले हमें उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए, सारे गट्स मालूम होने चाहिए। यदि ये हो जाता तो क्या होगा, ये हो जाता तो क्या होगा, यदि हम बोल लिए तो क्या होगा, यदि हम नहीं बात किए तो क्या होगा। जब ऐसी शक्तियाँ हम करते हैं, जब ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं, तो हमें उसके बंधन भी आने चाहिए, हमें बंधन बांधना आना चाहिए कि उस चीज़ को किस बंधन में कैसे रोका जाएगा। और अगर उसके बंधन नहीं आता तो हमें खुद का बंधन अवश्य आना चाहिए, हमें खुद का रक्षा घेरा वगैरह बहुत तगड़ा बनाना आना चाहिए, जिससे कि कोई बड़ी से बड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव ऊर्जा उस समय पर नहीं आ पाए हमारे पास, केवल उस जिस देवता का कर रहे हैं वही हमारे सामने आए, ठीक है ना। तो काफ़ी मेहनत के बाद तो चीज़ें होती हैं, और उसमें भी जरा सी गड़बड़ होने पर चीज़ बिगड़ जाए तो कितना दुख होता है। तो वो दुख की अवस्था और वो ग्लानी और दुख की अवस्था उनकी हो गई, और शेष में वो लास्ट तक अपनी उम्र के लास्ट तक ऐसे ही रहे थे बिल्कुल शून्य से। तो कैसी विचित्र घटना है, ठीक है मित्रों। चलिए आपको ये स्टोरी बताई मैंने जय माता रानी की। और दोस्तों आप कॉल ना करिएगा, व्हाट्सअप पे ही नंबर आपको दे रखा है मैंने, उस पर मैसेज करिएगा आप तो सही रहेगा, 9760986145, केवल व्हाट्सअप मैसेज, व्हाट्सअप कॉल भी नहीं और सिंपल कॉल भी नहीं, नंबर ब्लॉक करवाना हो तो करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।